इसराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के सीक्रेट बेस को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी की मस्जिदों के अंदर अंडरग्राउंड अड्डों में दुबके हमास के फाइटरों पर मिसाइल गिर रही है। इसराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ ठिकानों पर जंगी जेट से भी बारूद बरसाया है। 20 साल में पहली बार है जब इसराइल के जंगी जेट ने वेस्ट बैंक में स्ट्राइक की है। इसराइल के आक्रामक हमलों में तेजी तब से आई है जब से इसराइल डिफेंस फोर्स के हाथ हमास का फिदायीन शस्त्र लगा है। हमास आतंकी के शव से मिली एक किताब ने इस युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। इज़राइल गाजा में हमास का सफाया कर रहा है। लेबनान फ्रंट पर इज़राइल हिज़बुल्ला को सबक सिखा रहा है। यमन के हूथियों को इज़राइल भगा भगा कर पीट रहा है। इराक में इसराइल मिलिशिया फाइटर्स को मिसाइल धमाके से उड़ा रहा है। सीरिया में इसराइल सीरियाई विद्रोही फोर्स को एयर स्ट्राइक से धुआं धुआं कर रहा है। इसराइल का बारूदी हमला हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रहा है। मिसाइलों की मार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के हथियारों से भी इसराइल को मदद मिल रही है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी इसराइल अपने बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है। इतना ही नहीं, इसराइल ने अब तक हमास के किसी टॉप कमांडर को भी ठिकाने नहीं लगाया है। कई फ्रंट पर युद्ध में उलझे इसराइल के लिए अब सबसे बड़े दुश्मन ने नई आफत को बुलाया है। हमास अपने सुसाइड दस्ते को जंग में उतार रहा है। इसराइल के खिलाफ हमास ऐसे जल्लादों का जत्था जंग में उतारने जा रहा है जिनके क्रूर कारनामे कलेजा कमाने वाले हैं। इसराइल की फोर्स भले ही कितने आधुनिक हथियारों से लैस हो, लेकिन दुनिया के सबसे बेरहम आतंकियों की टोली से निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये टेरर ब्रिगेड गोले, बारूद, मिसाइलें, टैंक किसी की परवाह नहीं करती। यही नहीं, युद्ध के कोई नियम कायदे भी नहीं मानते ये फिदायीन फाइटर। इन हैवानों को ना अपनी जान की परवाह है, ना इंसानियत से उनका कोई वास्ता है। हमास के आतंकी से जो बुकलेट बरामद हुई उसमें बकायदा इसराइल के लोगों को बंधक बनाने से जुड़ी गाइडलाइंस लिखी गई है। गाइडलाइन में लिखा गया है कि जो बंधक ज्यादा समस्या पैदा करे उसे तुरंत मार देना है। इसके साथ ही भेष बदल कर इजरायली नागरिकों में घुल मिल जाने की तरीके भी किताब में लिखे गए हैं। अग्निकुंड में भून देने वाले शैतान, युद्ध में थंडर बोल्ट बम फटेगा, गला रेत कर मारने वाले जल्लाद। इसराइल फोर्स के सामने हमास की आत्मघाती आर्मी। मतलब फिदाइन फोर्स, वही जो खुद को बारूद से बांध कर फट जाते हैं, वही जो शांति काल में नरसंहार मचाते हैं, वही जिनकी नस नस में मजहबी जिहादी जहर घुला है। इन्हें हमास का खुदकुश दस्ता भी कहा जाता है। कौन है, इनकी तादाद कितनी है, इनकी ट्रेनिंग हमास फाइटर से अलग कैसे है, इसराइल के लिए ये फिदाइन फोर्स कितनी बड़ी चुनौती है, हमास के चलते फिरते मानव बम क्या जंग का नतीजा बदल पाएंगे? आप इन सवालों के जवाब इसराइल के राष्ट्रपति के दावे के आधार पर लगा सकते हैं, जिन्होंने हमास के सबसे खूंखार दहशतगर्दों पर खुलासा किया है। पश्चिमी मीडिया में इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग का एक किताब लहराने का वीडियो वायरल है। इसराइल के प्रेसिडेंट के हाथ में हमास के आतंकी की तस्वीर छपी किताब विस्फोटक बताई जा रही है।
क्योंकि ऐसी एक बुकलेट इसराइल फोर्स को युद्ध में मारे गए हमास आतंकी के पास से भी मिली है। इस किताब को हमास का बुक बम भी कहा जा रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि इसराइल फोर्स के हाथ लगा बारूदी साहित्य कितना भयावह है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इसराइल में घुसकर आतंक बरपाया। बेगुनाहों के नरसंहार के बाद हमास ने 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद इसराइल का ऑपरेशन शुरू हुआ। इसराइल ने हमास के गढ़ गाजा पट्टी को बारूद से पाट दिया। इसके साथ ही इसराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने गाजा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान हमास के मारे गए एक आतंकी के पास एक बारूदी बुकलेट मिली। इस बुकलेट के ब्यौरे ने इसराइल फोर्स के साथ नेतन्याहू की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हमास के आतंकी से मिले बुकलेट में इसराइल से युद्ध के सारे पैंतरे लिखे थे। हमास के आतंकी से मिले बुकलेट में इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने से जुड़ी गाइडलाइन लिखी गई है। हमास की किताब में लिखा गया है कि बंधकों में जो भी ज्यादा समस्या पैदा करे उसे फौरन जान से मार देना है। हमास के इस टेरर लिटरेचर के 8 पन्ने सबसे विध्वंसक हैं, जिसमें बंधकों को मौत के घाट उतारने के तरीके बताए गए हैं। इसके साथ ही हुलिया बदलकर इजरायली नागरिकों में घुल मिल जाने के तरीके भी किताब में लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर धावा बोलने वाले हमास के कुछ आतंकी अब भी इसराइल में छिपे हो सकते हैं। यही नहीं, अगर मुट्ठी भर आत्मघाती भी इसराइल में छिपे होंगे तो किसी भी मौके पर इसराइल में एक बार फिर बारूदी जलजला आ सकता है, क्योंकि हमास के बारूदी बुकलेट में इससे आगे क्या करना है उसे भी विस्तार से समझाया गया है। हमास आतंकी से मिले बुकलेट में गोलीबारी, ग्रेनेड के इस्तेमाल से इसराइल में अराजकता पैदा करने को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। इसके आगे चैप्टर में गाड़ी को बारूदी बम बनाकर उड़ाने का आदेश दिया गया है। साथ ही बंधकों को लेकर कहा गया कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के हर वक्त हाथ पैर बांध कर रखा जाए। बुकलेट में बंधकों को शांत रखने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधने के निर्देश हैं। वक्त आने पर इन्हीं बंधकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने की बात लिखी गई है। बंधकों से बात मनवाने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करने के आदेश। फिलहाल इसराइल ने हमास के वॉर क्राइम के सबूत के तौर पर द वॉरियर्स गाइड हैंडबुक को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। इसराइल के मुताबिक हमास के आतंकी आईएसआईएस की तर्ज पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार कर युद्ध जीतने का मंसूबा बनाकर बैठे हैं। फिलहाल हमास के पास इसराइल के करीब 150 से ज्यादा बंधक है। हमास की बुकलेट को इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पश्चिमी मीडिया में दिखाकर हमास की हकीकत से सबसे रूबरू करवाया। इसराइल के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के दौरान हमास की हैंडबुक की हॉरर स्टोरी भी सुनाई। इसहाक हर्जोग ने बताया कि हमारा सामना एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय शत्रु से है, जिसे हमें बिना किसी दया के उखाड़ फेंकना है। ये लड़ाई इसराइल बनाम फिलिस्तीन या यहूदी धर्म बनाम इस्लाम नहीं है। ये लड़ाई इंसानों और मानवता के बारे में है। क्या हम अच्छे के साथ हैं या बुराई के साथ? हमास के खिलाफ युद्ध अपराध के सबूत के तौर पे इसराइल ने द वॉरियर्स गाइड हैंडबुक को पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिसमें हमास के आतंकी आईसिस की तर्ज पर बेगुनाहों का कत्ल कर इस युद्ध में जीतने का मंसूबा पाल रहे हैं। इसराइल को यह भी यकीन है कि हमास के आत्मघातियों के लिए ये कोर्स और सिलेबस अब्दुल्ला बरगुती के लीडरशिप में तैयार किया गया है। अब्दुल्ला बरगुती बम ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर बनाने के लिए कुख्यात है। उसे आलू के इस्तेमाल से बम विस्फोटक और जहरीले हथियार बनाने का उस्ताद माना जाता है। अब्दुल्ला बरगुती का जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था। साल 1990 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद अब्दुल्ला बरगुती जॉर्डन चला गया था। इसके बाद दक्षिण कोरिया में अब्दुल्ला बरगुती ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियर बनने के बाद अब्दुल्ला ने जॉर्डन की नागरिकता ले ली। जॉर्डन में ही अब्दुल्ला ने टेरर ट्रेनिंग लेनी शुरू की। अब्दुल्ला बरगुती के बम बनाने की काबिलियत ने उसे हमास का चहेता बना दिया, जिसके बाद बरगुती को ईज अल दीन अल कासम ब्रिगेड के रैंक में शामिल कर दिया गया।
अब्दुल्ला बरगोटी ने हमास में सुसाइड बॉम्बर का दस्ता बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। हमास का टॉप कमांडर बनने के बाद बरगोटी ने एक बारूदी कारखाना तक खोल दिया था। बरगोटी को साल 2003 में इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया था। इजरायली नागरिकों की हत्या के जुर्म में बरगोटी को 5200 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि इसी बरगोटी के तैयार किए गए आत्मघाती हमलों के तरीके को हमास के आतंकी अमल में लाकर अब भी इजराइल में आतंक फैला रहे हैं। फिलहाल हमास के पास इजराइल के करीब 150 से ज्यादा बंधक हैं। इन बंधकों को टेरर हैंड बुक की गाइडलाइन के हिसाब से हमास में रखा गया। इजराइल के नागरिकों ने इस बुकलेट के रूल ब्रेक किए तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। सीक्रेट लोकेशन में हमास के टेरर चैम्बर में बंद इजरायली नागरिकों की रिहाई इसलिए भी बेहद मुश्किल नजर आ रही है कि उनकी करेक्ट लोकेशन अब तक नहीं मिली है। यानी इजरायल डबल ट्रैप में उलझा है। एक तरफ इजरायल में हमास के सुसाइड बॉम्बर्स के छिपे होने का खतरा है, दूसरी तरफ बंधक बने इजरायली नागरिकों के सिर पर फिदायीन हमलावर सवार है। ऐसे में इजरायल युद्ध को कब तक अपने पाले में ले आ पाएगा कहना मुश्किल है।